हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, अगर हम अपने बचपन स्कूल के शुरुआत दिनों की बात करें तो स्लेट पेंसिल से ही हमने अपने बचपन की शुरुआत करी। इसको कुछ स्थानों में बत्ती के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, लिखने वाली नहीं सामग्री को तो हम लोग खाने कैसे लगे। तो फ्रेंड्स, जब किसी चीज़ के शरीर में कमी होती है तो उसकी यानी भरपाई करने के लिए शरीर मांग करने लगता है। तो कैल्शियम तत्व की कमी की वजह से स्लेट पेंसिल खाने के लिए प्रेरित करता है हमारा शरीर। तो फ्रेंड, स्लेट पेंसिल खाने के क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इस बारे में बात करते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड, ये क्योंकि तीखी होती है और पानी में घुलती भी नहीं है फ्रेंड, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड, इसमें जो होते हैं, सबसे पहले किडनी स्टोन होता है, किडनी डैमेज हो जाती है क्योंकि ये तीखी मिट्टी होती है। तो इसमें डायरेक्ट हमारे किडनी पर प्रभाव डालती है। इसके खाने से जो जीभ होती है, टंग होता है, वो सफ़ेद दिखने लगती है और मुंह का टेस्ट भी चेंज कर देती है। और तीखी मिट्टी होने की वजह से जो टंग में है तो कट भी लगा सकती है, कट भी लग सकता है फ्रेंड। और इसके खाने से एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है और क्योंकि यह पानी में घुलती नहीं है तो यानी अंदर भी जाती है तो घुलती नहीं है और शरीर के अंदर जो डाइजेशन सिस्टम है उसको भी ख़राब कर देती है। और इसमें जो होता है, इसको लगातार खाने से क्या होता है, इसमें पेट में कीड़े भी पड़ जाते हैं। तो इसमें पेट में कीड़े पड़ने के कारण खून की कमी हो जाती है, होमोग्लोबिन कम हो जाता है। होमोग्लोबिन की कमी की वजह से हमें वीकनेस लगने लगती है और चिड़चिड़ाहट होने लगती है फ्रेंड, और इरिटेशन भी होने लगता है और किसी चीज़ की तरफ हम फोकस नहीं कर पाते हैं, इससे वीकनेस लगने लगती है। तो फ्रेंड, आप इसको खाना बंद करिए और इसके खाने से बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं फ्रेंड। तो प्लीज़ आप इसको खाना बंद कर दीजिए और इसको यानी आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है तो इसके दूर करने कमी को पूरी करने के लिए आप दूध ले सकते हैं अच्छी मात्रा में, हरे पत्तेदार सब्जियां ले सकते हैं, कैल्शियम और आयरन की अच्छी मात्रा में होते हैं, चीज़ हरे और दही, फलियां, बादाम, पालक आप अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं। तो इससे जो होते हैं आपको कैल्शियम और आयरन अच्छी मात्रा में मिल जाएगा फ्रेंड। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप भी मत इस स्लेट पेंसिल को मत खाइए फ्रेंड, स्लेट पेंसिल को, क्योंकि इसके खाने से हमारे शरीर में बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं फ्रेंड। तो प्लीज़ आप मत खाइए क्योंकि ये लिखने वाली है सामग्री, तो इसमें से सिर्फ आप लिखिए ही और इसको खाने में मत उपयोग करिए क्योंकि इसके खाने से बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। धीरे धीरे हमारे जो होते हैं किडनी भी डैमेज हो जाएगी, खून की कमी भी हो जाती है, पेट में कीड़े भी पड़ जाते हैं। इसको तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाती फ्रेंड, तो प्लीज़ आप भी न खाइए इसको, इसको खाने से बचिए। आप दूध अच्छी मात्रा में खा लीजिए तो आपको दूध में कैल्शियम अच्छी मात्रा में मिल जाएगा। तो फ्रेंड, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करिएगा फ्रेंड। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो फ्रेंड, बाय बाय।